सज्जन लोगों से अच्छा व्यवहार और गुंडे बदमाशों से सख्ती से निपटेंगे। उज्जैन रेंज एजी डीपी ने मीडिया से चर्चा में रतलाम में कहा, जानिए कानून व्यवस्था को लेकर क्या बोले एडीजीपी। रतलाम दौरे पर आए उज्जैन रेंज के एडीजीपी योगेश देशमुख ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पुलिस आमजन और सज्जन लोगों से अच्छा व्यवहार करे और गुंडे बदमाशों से सख्ती से निपटे। कानून व्यवस्था अच्छी रखने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन के साथ आम जनता की भी है। उज्जैन रेंज के एडीजीपी देशमुख मंगलवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक लेने रतलाम आए थे। यहाँ इपका रेस्ट हाउस पर उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। अपने रतलाम दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस का एक मैनेजमेंट रहता है जिसके तहत रतलाम पुलिस के कार्यों को देखने आज मैं यहाँ आया हूँ। सभी थाना प्रभारियों से मुलाकात की और कार्यों को देखा है, जहाँ कमी पाई गई वहाँ टोका है और अच्छे कार्यों के लिए शाबाशी भी दी गई है। एडीजीपी ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिले और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आम जनता का विश्वास पुलिस में बढ़े, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सभी की है, समाज की भी इसमें जिम्मेदारी है। आपने कहा कि पुलिस गुंडे बदमाशों पर नियंत्रण करे और जहां अपराध होते हैं वहां तत्परता से न्यायोचित कार्रवाई करे। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों के प्रसार के संबंध में डीजीपी देशमुख ने कहा कि सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने थाने क्षेत्रों में लोगों से संवाद स्थापित करें और सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरों को लेकर जागरूकता लाएं। उन्होंने कहा कि एसपी को भी कहा गया है कि खासकर यंग जनरेशन को सोशल मीडिया की अच्छाई और बुराई दोनों पहलू के बारे में जानकारी दें और जाने अनजाने में किस तरह कानून का उल्लंघन हो सकता है ये भी बताएं। एडीजीपी देशमुख ने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही घर के बड़े बुजुर्ग और परिवार के सदस्य को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। विंध्या किरण के लिए रतलाम से अमीन हुसैन की रिपोर्ट। पूरे राष्ट्र के मैनेजमेंट में प्रशासन अपना योगदान देता रहता है और यहाँ के पुलिस भी अपना अपना योगदान दे रही है। पूरे मैनेजमेंट में समाज में लोग सुरक्षित महसूस हों, समाज में लोग पुलिस के प्रति उनका विश्वास उत्पन्न हो, पुलिस अपना रेगुलर काम करते रहे, ये सब देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये पुलिस की एक मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था है जिसमें ज़िले में जो काम हो रहा है उसको सबको देखते हैं। सभी थाना प्रभारियों से मुलाकात हुई है, जहाँ कमियाँ नज़र आई है वहाँ टोका गया है, जहाँ अच्छा है वहाँ पर उनको शाबाशी दी गई है और इनकी समस्त कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता को उसमें राहत मिले, जनता सुरक्षित महसूस करे, इस ओर सभी का ध्यान रहता है, यही सब देखने में आया। सर, रतलाम में देखा जाता है कि पिछले अगर 15 या 20 दिन का अगर माहौल देखा जाए कानून व्यवस्था को लेकर, बेखौफ अपराधी लाठी डंडों से वार कर रहे हैं, चारों छोरों से कई लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है, इंदौर रेफर किया है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठना लाजमी और अराजकता देखी जा सकती है। सर, रतलाम में देखिए, कानून व्यवस्था अच्छी रहने की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं है, प्रशासन की नहीं है, सभी की है। इसमें आम जनता भी जैसा व्यवहार करती है वैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। हाँ, जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस गुंडे बदमाशों पर नियंत्रण रखे और जहाँ पे ऐसे अपराध होते हैं उस पर तत्परता से कार्रवाई करे और उनको न्याय उचित जो कार्रवाइयाँ होती है न्यायालय के समक्ष पेश करे, एविडेंस कलेक्ट करे, ये पुलिस का मेन काम होता है। तो जहाँ पे एक और पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था अच्छे रखनी। सख्ती बरतने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए थाना प्रभारियों को? देखिए, सबसे पहली बात है कि आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जो गुंडे बदमाश हैं उनमें दहशत होनी चाहिए, यही मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, यही पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, यही यहाँ पे मेरे निर्देश हैं। जनता जो अच्छी जनता है, जो सज्जन लोग हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे और जो गुंडे बदमाशी समझते हैं कि वो कार्रवाई करते रहेंगे, पुलिस उन पर सख्ती से निपटती रहेगी। सर, इन दिनों सोशल मीडिया पे कोई भी खबर वायरल होती है और उसका अर्थ और अनर्थ हो जाता है, तो इस बारे में आपका साइबर सेल कितना एक्टिव और क्या कार्रवाई करता है? देखिए, ये उभरता हुआ, बहुत फास्ट उभरता हुआ ये ट्रेंड है कि इसमें सोशल मीडिया में अपुष्ट खबरें काफ़ी चल पड़ती हैं, र्यूमर्स चल पड़ते हैं। ऐसे में सभी थाना प्रभारियों को यहाँ पर बताया गया है कि अपने अपने जगह पर ये लोगों से संवाद करेंगे और अभी मैं एसपी साहब को भी बता रहा हूँ कि इसमें बच्चों को, विशेषकर जो यंग जनरेशन है, इसके अच्छाई बुराई के बारे में जानकारी नहीं लगती है, उसकी अच्छाई बुराइयाँ बताएं, क्या कानून का उल्लंघन हो जाता है जाने अनजाने, इसके बारे में बताएं। ऐसे में सोशल मीडिया में कंट्रोल रखना बड़े बुजुर्गों का, परिवार का, पुलिस का, प्रशासन का, सभी की नहीं लगती है, उसकी अच्छाई बुराइयाँ बताएं, क्या कानून का उल्लंघन हो जाता है जाने अनजाने, इसके बारे में बताएं। ऐसे में सोशल मीडिया में कंट्रोल रखना
बड़े बुजुर्गों का, परिवार का, पुलिस का, प्रशासन का, सभी के योगदान की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री का जो बयान आया था जहर रिली शराब का, उसके बाद रतलाम में भी कई प्रभावी कार्रवाई हुई। सबसे बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें एक संगठन के नेता का नाम आया था, आपने जांच उसमें कही थी? जी हाँ, उसमें यहाँ के पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की थी, लेकिन चूंकि इनको शंका थी कि इसमें गलत कार्रवाई हो रही है, ऐसे में वो जांच डीआईजी को दी गई है। डीआईजी इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। कहाँ तक पहुंची सर कुछ अभी? वो डीआईजी संपूर्ण करने के बाद ही पता लग पाएगा, डीआईजी अपनी जांच कर रहे हैं।